एक बहुत पुरानी बात है, अफ्रीका के एक देश अल्जीरिया में एक बॉकस नाम का राजा रहा करता था। उसके स्टेट में एक बहुत समझदार जज था, जो झट से दूध का दूध और पानी का पानी कर देता था। एक न्यायाधीश, चाहे कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए, जज की पैनी आंखों से, शातिर बुद्धि से कोई गुनहगार छुप कर जा नहीं सकता था। अब इतना शातिर इंसान है तो फेम चारों तरफ फैलने लगी। राजा के पास भी बात पहुंची, पता चला कि भाई कोई ऐसा जज है। राजा ने कहा, भाई ऐसा जज है तो भेस बदल कर जाया जाए, चेक किया जाए, एक बार परीक्षा ली जाए कि भाई ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो हमारी आंखों से बच गया। राजा ने अपना वेश बदला और अपने घोड़े पर बैठकर चला गया जज से मिलने के लिए। राजा ने अपना भेस बदल रखा था क्योंकि वो राजा के कपड़ों में जज से नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि अगर राजा को देखेगा जज तो वो खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये जा रहा था रास्ते में राजा को एक भिखारी मिला। भिखारी को पैसे दिए, भिखारी विकलांग था। भिखारी ने हाथ जोड़कर बड़े बेचारी सी आवाज़ में राजा से कहा कि भाई साहब, प्लीज़ आप मुझे आगे तक चौराहे तक छोड़ दो, मैं चल फिर नहीं सकता, विकलांग। राजा को उस भिखारी पर दया आ गई, उसने अपने घोड़े पर बैठा लिया भिखारी को और आगे चौराहे पर पहुंचकर उसने भिखारी से कहा, चलो आगे तुम्हारे डेस्टिनेशन, उतरो। भिखारी ने चढ़कर बोला, मैं क्यों उतरूँ भाई, तू उतर, ये घोड़ा मेरा है। उस भिखारी के बोलने का अंदाज ही बदल गया। मतलब पहले जो हाथ पैर जोड़कर भीख मांगकर राजा से आगे छोड़ने के लिए बोल रहा था, अब वो घोड़े को ही अपना बताने लगा। राजा और भिखारी में बहस हो गई और वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा कि ये घोड़ा मेरा है, ये आदमी झूठ बोलता है। भिखारी जोर जोर से चिल्लाने लगा और राजा भी कहने लगा, दावा करने लगा कि ये घोड़ा मेरा है। तो वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि अब तो कोई और रास्ता है नहीं, इनको जज साहब के पास ले चलो, वो इनका फैसला करेंगे। अब ये दोनों पहुंचे राजा और भिखारी जज साहब की कोर्ट में। कोर्ट में पहले से काफ़ी भीड़ थी, लोग जमा थे, लोग बारी बारी अपना केस लेकर आ रहे थे। जज साहब लोगों का केस बारी बारी सुन रहे थे। सबसे पहला केस था एक राइटर और किसान का, उनके साथ में एक औरत भी थी। राइटर और किसान दोनों ही उस औरत पर अपना दावा ठोक रहे थे, कह रहे थे ये बीवी मेरी है, ये बीवी मेरी है। जज ने दोनों साइड्स की बातें सुनी और बोले कि भाई आज इस औरत को मेरे पास ही छोड़ जाओ, कल सुबह आना, कल सुबह फैसला सुनाएंगे। उसके बाद अगला केस जज के सामने आया, जिसमें एक कसाई था और एक तेल निकालने वाला तेली। सीधी सी बात है कि कसाई के कपड़ों पर तो खून के छींटे लगे हुए थे और तेली के हाथों पर तेल लगा हुआ था। कसाई के हाथों में पैसों की थैली थी। झगड़ा इस बात का था कि दोनों ही जने थैली पर अपना दावा ठोक रहे थे, उस थैली को अपना बता रहे थे। जज ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, ये भाई पैसों की थैली आज रात यहीं पर छोड़ जाओ, कल सुबह आना, कल सुबह फैसला सुनाएंगे। अब बारी आई राजा और भिखारी की। दोनों की बातें सुनी, जनाब मैंने इस भिखारी को लिफ्ट दी अपने घोड़े पर और ये घोड़े को ही अपना बताने लगा। तो जज ने कुछ देर सोचकर कहा, भाई ये घोड़ा यहीं छोड़ जाओ और कल सुबह आना, कल सुबह फैसला सुनाएंगे। तीनों को जवाब दे दिया, ठीक है। अब रात गुजरी और अगली सुबह जज का फैसला सुनने के लिए कोर्ट में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। तो सबसे पहले केस का फैसला सुनाया राइटर और किसान वाले केस का, कि औरत किसकी है। जज ने बिना एक पल भी गवाए राइटर से कहा कि यह औरत आपकी है, ये बीवी आपकी है, आप इसे ले जाओ। इसके बाद जज ने कहा कि इस किसान को ले जाओ और 50 कोड़े लगाओ जा करके। दूसरा केस सामने आया कसाई और तेली का। जज ने कसाई को बुलवाया, हाथ में उसके पैसों की पोटली रखी और कहा, ये पैसों की थैली तुम्हारी है, इसे ले जाओ और इस तेली को ले जाकर 50 कोड़े लगाओ और तेल निकालो इसका। तीसरा केस राजा और भिखारी वाला, उसका फैसला जज ने कुछ इस तरह से सुनाया कि तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान लोगे। दोनों ने बोला, हाँ हुजूर पहचान लेंगे, क्यों नहीं पहचानेंगे। तो एक एक करके जज दोनों को लेके गया घोड़ों के अस्तबल में और ले जा करके घोड़े को कहा कि पहचानो। दोनों ने घोड़ों को पहचान लिया। अब केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। कुछ देर सोचने के बाद जज ने राजा को बुलाकर कहा कि ये घोड़ा आपका है, इसे ले जाओ और भिखारी को 50 कोड़े लगाओ। तो तीनों केसेस सुलझ गए। अब सारा फैसला होने के बाद में राजा के मन में अभी भी कुछ था कि पूछ लूँ। जज साहब ने ये चीज़ नोट की और कहा कि क्या हुआ, मेरे फैसले से आप असंतुष्ट लग रहे हैं, मैंने फैसला ठीक नहीं किया क्या? तो राजा बोले, नहीं हुजूर, फैसला तो आपने एकदम ठीक किया है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप इन फैसलों पर पहुँचे कैसे। तो जज बोला, बहुत आसान था। सुबह सुबह वो जो औरत मेरे साथ में थी, उस औरत को मैंने दवात में शाही भरने के लिए कहा। अब जैसे उस औरत ने काम किया, बड़ा ठीक ठीक काफ़ी सलीके से ये काम किया, मैं समझ गया ये बीवी राइटर की हो सकती है, राइटर की बीवी ही ऐसा काम कर सकती है। और दूसरा फैसला राजा ने पूछा, भाई जहाँ तक पैसों की थैली की बात थी, तो वो जो सिक्के थे, मैंने रात को सोते वक्त उनको पानी के बर्तन में डाल दिया था, सुबह उठकर देखा तो पानी में थोड़ा सा भी तेल नहीं था। अगर पैसे वाकई तेली के होते तो पानी में ऊपर की तरफ कुछ एकाध तेल की बूंद तो दिखती, तो वो पैसे कसाई के थे, तो मैंने कसाई को दे दिए।
वाह, राजा के मुंह से निकला। और घोड़े वाला फैसला? भाई जहां तक आपके घोड़े वाला मामला था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। मैं आप दोनों को, आपको और भिखारी को, अस्तबल में घोड़े की पहचान करने थोड़ी लेके गया था, बल्कि मैं देखना चाह रहा था घोड़ा अपने मालिक को पहचानता है या नहीं। आपसे मिलकर घोड़े ने अपना सिर हिलाया, जबकि उस भिखारी से मिलकर घोड़े ने अपनी टांग उठाई। मुझे समझ में आ गया कि घोड़ा आपका है। फिर मैंने वो भी फैसला सुना दिया। राजा के मुंह से बस इतना निकला कि शाबाश। उसने बताया कि वो कौन है। मैं राजा हूँ। मैंने आपके इंसाफ की बहुत चर्चा सुनी थी, बहुत तारीफ सुनी थी, आज इसका सबूत भी देख लिया। क्या इनाम चाहिए आपको? तो बोला, हजूर आपने मेरी तारीफ कर दी, इससे बड़ा इनाम मेरे लिए हो नहीं सकता, ये सबसे बड़ा तोहफा है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।